हेलो वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल इको जेड। ऐसी आज़ादी और कहाँ, काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बहुत अच्छा हूँ और आई थिंक आपने मुझे बहुत मिस किया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास नाइन्थ मूमेंट्स का पहला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड जो है, इस नाम से आपको पता चलता होगा कि इसमें एक बच्चे की बात की गई है जो कहीं शायद खो चुका है, तो वही चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है और देखते हैं कि एक बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है उसके बारे में। तो एक मेला लगा हुआ है और मेला जो है उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन में मेले लगे हैं और आपको तो पता ही है हमारे यहाँ भी कई सारे मेले लगते हैं। तो उसी मेले में अपना जो सिचुएशन है वो ये ऐसा है कि पेरेंट हैं, मम्मी और डैडी हैं, साथ में एक बच्चा है और वो तीनों हैं मेले में जा रहे हैं। मेले में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, स्पेशली बच्चा बहुत एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मेले में जाके वो बहुत सारी चीज़ों को खरीदेगा, बहुत सारी चीज़ें उसको पसंद थी तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ने लगता है। उसका एक्साइटमेंट इस लेवल का होता है कि वो बार बार हर चीज़ों की तरफ, जिस भी शॉप की तरफ देखता है उस शॉप की तरफ जाने लगता है। पेरेंट्स उसके हाथ को पकड़ के वापस पीछे की तरफ खींचते हैं, मतलब उसका एक्साइटमेंट बहुत अपर लेवल पर है। ठीक है, इस एक्साइटमेंट के साथ जैसे ही वो उस मेले में एंटर करते हैं, मेले में एंटर करते ही सबसे पहले उनको टॉयज़ की शॉप नज़र आती है। टॉयज़ की शॉप की तरफ देखते ही लड़का बोलता है, वो जो बच्चा है बोलता है कि माँ मुझे वो टॉयज़ चाहिए, प्लीज़ माँ चलो चलो माँ मुझे वो टॉयज़ चाहिए। तभी उसके पापा उसकी तरफ गुस्से वाली नज़र से देखते हैं और वो समझ जाता है कि पापा मुझे दिलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। तभी मॉम जो है उसका माइंड डाइवर्ट करती है और इसे कहती है, देखो वो खेत कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो मस्टर्ड फील्ड्स कितने येलो कितने अच्छे लग रहे हैं और वहाँ पे देखो कितनी ब्यूटीफुल तितलियाँ हैं। तो ये सब चीज़ें देख के लड़का जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो उन खेत की तरफ थोड़ा सा जाने लगता है, उन तितलियों को देखने के लिए जाने लगता है। पर तभी मॉम कहती है, बेटा चलो हमें आगे भी जाना है, और वो फुटपाथ पे चलने लगते हैं। जो फुटपाथ पे वो चल रहे हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो चुकी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग उस मेले के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ही सबसे पहले उनको और जो सेकंड सिचुएशन नज़र आती है वो है स्वीट शॉप, मतलब मिठाई की दुकान, और मिठाई की दुकान से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। लड़का उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, लड़का बोलता है मुझे बर्फ़ी खानी है। अंदर ही अंदर मन में सोचता है कि मेरे मॉम डैड मुझे नहीं दिलाएंगे, पर फिर भी वो बर्फ़ी मांग लेता है, माँ मुझे बर्फ़ी खानी है। बट उनका आंसर सुने बिना ही वो आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पिताजी जो हैं, उनके जो पापा हैं, वो उनको ये सब चीज़ दिलाने वाले नहीं हैं। वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, आगे की तरफ बढ़ते ही उसको फ्लावर्स की शॉप नज़र आती है, फूलों की दुकान नज़र आती है। अब वो फूलों की दुकान पे देखता है तो वहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीके के हार और अलग तरह की माला लटकी हुई होती है। वो बोलता है मुझे भी माला चाहिए। वो माला के लिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता है, तभी उसकी मम्मी उसके पीछे से उसका हाथ खींच लेती है और लड़का समझ जाता है कि माँ उसे ये सब चीज़ें दिलाने वाले नहीं हैं और वो बिना बोले ही आगे बढ़ जाता है। थोड़ा और आगे की तरफ जाने के बाद वो देखता है कि आगे एक बलून वाला खड़ा है, उसका बलून्स बहुत पसंद होते हैं, कलरफुल बलून्स होते हैं वहाँ पर, वो उन बलून्स को लेना चाहता है। वो सोचता है कि मैं उसे, वो अपने मॉम डैड को बोले कि माँ मुझे प्लीज़ वो बलून दिला दो, पर उसे पता है कि वो शायद उन्हें नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो उन्हें कुछ कहता ही नहीं और आगे की तरफ बढ़ जाता है। फिर वो आगे की तरफ एक स्नेक चार्मर को देखता है। स्नेक चार्मर का मतलब सपेरा होता है, वो स्नेक जो होता है उसको डांस करवा रहा होता है, बीन की आवाज़ आती है और वो तो बीन की आवाज़ सुन के वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उस तरफ मूव करने लगता है। उसकी तरफ जाते जाते वो उस आवाज़ को सुनता है, तब उसे याद आता है कि माँ ने उसे कई बार बोला था कि बेटा इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं वहाँ पर अकेले नहीं जाया करते। तब वो पीछे मुड़ के देखता है, तभी उसके पेरेंट्स के साथ होते हैं, पर वो उसकी तरफ जाने लगता है और जो मॉम डैड है तो वो उसको हल्का सा पीछे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, वो और आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे लगता है कि मॉम डैड जो है उसके साथ ही है और वो थोड़ा और आगे की तरफ जाता है और झूला देखता है। झूले की तरफ देखते ही वो झूले के पास तक चला जाता है और चाहता है कि वो झूला झूल ले, और अपने मन में पूरी हिम्मत करके वो बोलता है इस बार मैं झूला झूलना ही चाहता हूँ और मैं डैडी को बोल दूंगा, मैं मम्मा को बोल दूंगा मुझे झूला झूलना ही है। और फाइनली डिसाइड कर चुका था कि इस बार वो मम्मा डैडी को कह के भी रहेगा और उन्हें मना लेगा कि उन्हें वो झूला झूलना है। ये सब चीज़ें सोचते सोचते पता नहीं मॉम डैड कहाँ निकल जाते हैं और वो उस झूले के साथ ही खड़ा रह जाता है। जैसे ही वो अपने मॉम डैड को कहने लगता है कि माँ मुझे झूला झूलना है, पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड उसके साथ नहीं है। अब वो बहुत टेंशन में आ जाता है, उसे समझ नहीं आता कि मॉम डैड कहाँ चले गए और वो कहाँ फंस चुका है। इतनी भीड़ में वो अपने आप को बहुत डरा डरा महसूस करता है और अपने मॉम डैड को पुकारने लगता है, चिल्ला चिल्ला के अपने मॉम डैड को इधर उधर ढूंढने लगता है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो किधर जाए, अपने मम्मी डैडी को कहाँ ढूंढे। वो पूरी तरीके से खो चुका होता है, वो रोता है चिल्लाता है और बार बार माँ 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 पापा 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 कहता रहता है, पर आसपास उसे वो कहीं भी नज़र नहीं आते हैं।
वो पूरी तरीके से गंदा हो चुका है, उसके शर्ट के बटन खुल चुके हैं, उसका शर्ट ऑलमोस्ट गंदे कंडीशन में हो चुका है, वो खुद इतना पसीने पसीने हो चुका है पर उसको कोई भी नहीं मिल रहा है। वो वहीं यहाँ खुले में जो मैदान है वहीं पे खड़े खड़े चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है कि माँ पापा कहाँ हैं कहाँ हैं कहाँ हैं। एक आदमी उसे देखता है और उसके पास आता है और उसे कहता है बेटा क्या हुआ, तो बोलता है कि मुझे मेरे मम्मी डैडी चाहिए, मेरे मम्मी डैडी कहीं चले गए हैं, मेरे मम्मी डैडी मुझे दे दो। अब वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वो सारी चीज़ें देने की कोशिश करता है जो उसे चाहिए थी। सबसे पहले वो बोलता है कि तुम झूला झूलोगे, तो बोलता है नहीं मुझे झूला नहीं झूलना, मुझे तो सिर्फ मेरे मम्मी डैडी चाहिए। झूले के बाद वो बोलता है कि चलो ये देखो बीन जो बजाने वाला है, जो स्नेक चार्मर है उसके पास लेके जाता, बोलता देखो ये सांप वाला जो खेल है वो तुम देखोगे, बोलता नहीं मुझे ये भी नहीं देखना, बीन की आवाज़ भी नहीं सुननी, कान बंद कर लेता है, बोलता नहीं मुझे सिर्फ मेरे मम्मी डैडी चाहिए। वो थोड़ा और पीछे जाता है और उसको बोलता है कि तुम बलून देखो कितने कलरफुल बलून्स है, तुम्हें बलून्स चाहिए, तो बोलता नहीं मुझे बलून्स भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मम्मी डैडी चाहिए। बलून के बाद वो फ्लावर शॉप पे जाता है, फ्लावर शॉप के बाद वो वापस मिठाई वाले के यहाँ जाता है, बोलते तुम मिठाई खाओगे, बोले मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी डैडी ही चाहिए। वो स्वीट शॉप से वो थोड़ा और पीछे जाता है, थोड़ा और पीछे जाने के बाद उसको वो खेत दिखाता है, खेत दिखाने के बाद उसको टॉय शॉप में ले जाता है, बोलते तुम्हें कुछ खिलौने चाहिए कुछ चाहिए, बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। और चैप्टर को यहाँ पर एंड कर दिया गया है। अब चैप्टर में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या उसको उसके मम्मी डैडी मिले होंगे। अब जहाँ लड़के को वो सारी चीज़ें मिलने के लिए तैयार थी, वो जो अंकल थे जो उसे मिले थे वो उसे सब चीज़ दिलाने के लिए तैयार थे, पर वो एक भी चीज़ लेने के लिए तैयार नहीं था, जिसके लिए वो स्टार्टिंग में अपनी मम्मी डैडी से जिद कर रहा था, वो सब चीज़ें छोड़ के वो बोलता है सिर्फ मुझे मम्मी डैडी चाहिए। तो इस चैप्टर में ये कहा गया है, इस चैप्टर में बताया गया है कि मॉम डैड की जो इंपॉर्टेंस है या फिर हमारी लाइफ में जो सबसे प्रीसियस है वो हमारे मॉम डैड है, हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं। इसीलिए वो छोटा बच्चा जो होता है उसके लिए भी पेरेंट्स की जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा है, वो अपने पेरेंट्स को चाहता है ना कि उन सब चीज़ों को, वो सब चीज़ें उसके लिए बिल्कुल किसी काम की नहीं रह जाती। अब उसको सिर्फ उसके मॉम डैड की ही बात या उनके मॉम डैड ही चाहिए, वो सब चीज़ें, वो सब जो टॉयज़ थे मिठाइयाँ थी ये सब चीज़ें उसको लाइफ में नहीं चाहिए, उसको सिर्फ मॉम डैड चाहिए।